गाइज आज मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक ऐसा वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाऊं जो कि सस्ता हो, इफेक्टिव हो और साथ ही साथ बिना इलेक्ट्रिसिटी के वर्क करे। जी हाँ गाइज, मेरे दिमाग के अंदर आइडिया तो है लेकिन दिल के अंदर एक छोटा सा डर भी है कि गलती से अगर इस आइडिया ने काम नहीं किया तो ये अब तक का सबसे स्टूपिड आइडिया हो सकता है। गाइस जो चीज हम बनाने वाले हैं वो कुछ इस तरीके की होगी। देखो अबे कमीनो, मुझे बताए मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तुम चुपचाप से बस इसे देखो, अपने को ये चीज बनानी है, इसके लिए सामान लेके आओ, जाओ। इतनी बुरी तो नहीं लग रही यार मुझे, आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके बताओ। चलो गाइस यार, हमारे इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम इस्तेमाल में लेंगे कुदरती धूप का। जी हाँ गाइस, सूरज का इस्तेमाल करेंगे और सूरज की मदद से हम वाटर फिल्ट्रेशन का ये जो प्रोजेक्ट है वो करेंगे। हाँ हाँ, अब धीरे धीरे आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ वही 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 जो आप सोच रहे हो ना, उसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे हम वाटर को फिल्टर करने के लिए। चलो फ्रेम बनाते हैं इस प्रोजेक्ट के। बहुत बड़ा टायर बन गया। अरे हटाने, वेल्डिंग हटाने, एक मिनट गाइस, इसको खड़ा करके आपको दिखाते हैं कि ये कितना बड़ा है। उठाओ, ये देखो गाइस, ये कितना बड़ा है, ये तो अब तक का सबसे बड़ा टायर बन गया। ओए बाहर लेके चलो, इसको गोल गोल घुमा के देखते हैं। अभी तो इतना बड़ा टायर गाड़ी पे चढ़ जाता, खतरनाक ही चल रहा है यार ये तो। हाँ ठीक है, होगी मजाक मस्ती गाइस, ऐसी हमें दो रिंग बनानी होगी। ओए जाओ, दूसरी वाली भी तैयार करो, जाओ जल्दी इसको लेके जाओ। मनीष फ्रेम बन गया क्या? नहीं यार, जब तक हमारा फ्रेम तैयार होता है मैं सिंपली बिनोमो पे एक दो ट्रेड और कर लेता हूँ। तो गाइस यार, आप भी सिंपली बिनोमो पे ट्रेडिंग करके आसानी से पैसे अर्न कर सकते हैं और बिनोमो एक सेफ एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और इस पे ट्रेड करना भी बहुत ज्यादा आसान है। रुको मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ। आपको बस ये देखना होता है कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, तो मैं ऊपर के एरो पे क्लिक कर देता हूँ और वेट करते हैं। एंड गाइज आप देख सकते हैं कि अभी अभी हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। मैं आपको एक ट्रेड और करके दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी भी मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो मैं नीचे के एरो पे क्लिक कर देता हूँ और फिर से वेट करता हूँ 5 सेकंड का, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 ST सेलेक्ट कर रखा है। एंड बिंगो गाइज, आप देख सकते हैं कि मैंने फिर से प्रॉफिट बुकिंग की है। तो इस तरीके से आप भी ट्रेड करके आसानी से इसके ऊपर पैसे अर्न कर सकते हैं। और गाइस यार, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो ट्रेडिंग करना आता ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा, तो इसके अंदर आपको एक डेमो अकाउंट भी मिल जाता है जिसके अंदर आपको $10,000 तक मिल जाते हैं, जिससे कि आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। साथ साथ बिनोमो पे अभी एक टूर्नामेंट भी चल रहा है 1v1, जिसके अंदर आप जो है दूसरे ट्रेडर्स को कंपेयर कर सकते हैं और साथ साथ इसके अंदर आपको कई सारे पॉइंट्स भी मिलते हैं और इसके अंदर आपको कई सारे गिफ्ट्स भी मिल जाते हैं। तो गाइस यार, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सिंपली बिनोमो का लिंक दे दिया है जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अभी के अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और ट्रेडिंग करके पैसे अर्न करना शुरू कीजिए। गाइस यार, अपना जो फ्रेम है फाइनली वो बनके तैयार हो गया है, अबे लेके आओ ना। गए
गाइस आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि ये जो चीज़ है ये काम किस तरीके से करेगी। एक्चुअली में मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरा जो दिमाग है अभी वो ब्लैंक आउट हो चुका है, क्योंकि ये देखो ना यार ये कितनी बड़ी है और मुझे इसे अपनी वो जो लेक है उसके अंदर फिट करना है। लेकिन अब समस्या ये आ रही कि भाई इसको वहां तक लेके कैसे जाए, ये बहुत बड़ा है देखो। चलो कोशिश करते हैं, पहले वहां पे लेके चलते हैं। 1 2 3 गो। अरे आ जाओ कैदी, आ जाओ कैदी, आओ चलो चलो यार। इस चीज के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, साथ ही साथ इसे जब हम लेक के अंदर फिट करेंगे उस वाली लेक के अंदर तो ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली ही काम करेगा। अब कैसे काम करेगा वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ चीज़ें और चाहिए होगी, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और सुनो ध्यान से, मुझे एंकर्स चाहिए, ट्यूब चाहिए, और इसके लिए वो जो जुगाड़ बनाया था वो चाहिए, रस्सी चाहिए, और पानी को कलेक्ट करने के लिए चीज़ें चाहिए। जाओ लेके आओ। जरूरत भी पड़ेगी तो अपने एंकर तैयार हो गए। ये है ट्यूब लगाने का जुगाड़, ये रस्सी, ये टेप, भाई जी है पॉलिथीन, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। चलो गाइस फाइनली ये लोग भी आ गए, सामान लेके आ गए। सारा सामान आ चुका है, अब फटाफट से इस मशीन को, इस प्यूरीफायर को कंप्लीट करते हैं। गाइस पहले इसे कंप्लीट बना लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज काम कैसे करेगी। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यानी कि यहाँ पर वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, अगर वो सेंटर में नहीं हुआ तो हमारी ये जो चीज़ है ये काम नहीं करेगी। तो उसके लिए क्या जुगाड़ लगाए समझ में नहीं आ रहा है, काम करते हैं इसके अंदर पानी भर देते हैं, पानी जो है हमें बताएगा कि कहाँ पे इसका सेंटर आता है। सब डालते हैं इसके अंदर पानी, गाइस आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर है अभी वहां पे आ रहा है, थोड़ा सा इसको इधर खिसकाना पड़ेगा सेंटर को। भाई यार कभी आपने काली आंधी देखी है? ये देखो काली आंधी, वैसा बहुत खतरनाक सीन हो गया यहाँ पे तो यार, वैसे बाढ़ के हालात लग रहे हैं यार, इतना भयंकर हो रहा है ये देखो। ओए भाग जाओ जान बचा के, आंधी आ रही है, काली आंधी। ये तो कह रहे अंधो। खाना आ गया हमारा गाइस। गाइस यार मौसम की संभावनाओं को देखते हैं, छाता बहुत जरूरी है वरना जो है ये छाता ही काम का नहीं है। 1 2 ओए ओए इसको टेढ़ा करो गाइस, ये पानी खाली करना होगा, बरसात का पानी और गिर गया तो। 1 2 3 देखो हमारी मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है, वाटर फिल्टर हो रहा है, ये देखो फिल्टर हुआ वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ये रहा पानी।
गाइस आज तो बहुत तेज बारिश आ गई, आज तो इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कल इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, आज तो नहीं बन पाएगा। आई एम रियली रियली सॉरी गाइस। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग गाइस। तो यार आज क्या मस्त वाली धूप निकली है, तो आज तो हमारे प्रोजेक्ट को फाइनली पूरा कंप्लीट करते हैं और आज जो है इसको वर्किंग में ले लेंगे। बाकी आप देख सकते हैं कल कितनी तेज बारिश हुई थी, इसको टेढ़ा रख रखा था, उसके बाद भी इसमें पानी भरा है, देखो। तो आज का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज तो पूरा बनाएंगे किसी भी हाल में। गाइस यार इस बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखने के लिए हमने ये जुगाड़ किया है, इससे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में ही रहेगी, क्योंकि पॉलिथीन को लगाते टाइम इधर उधर खिसक जाती है। फाइनली अपना जो प्रोजेक्ट है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, चलो इसे लेक के पास में लेके चलते हैं और फिर इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। उठाओ गाइस, आप देख सकते हैं कि इसका साइज कितना बड़ा है, चारों तरफ से आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये अजीब सी चीज क्या है। चलो गाइस चलो, आपको अब जो है सिंपल सी इसकी वर्किंग भी समझाता हूँ। ओए उठाओ, एक साइड से उठाओ, आ जाओ गाइस आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो ये देखो गाइस, ये है हमारा सोलर पावर्ड वाटर फिल्टर। तो देखो ज्यादा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसके अंदर हम वाष्पीकरण जो होता है उसका इस्तेमाल करेंगे साफ पानी इकट्ठा करने के लिए। हम इस इतने बड़े स्ट्रक्चर को पानी के अंदर, लेक के अंदर उतार देंगे, उसके बाद में हीट की वजह से, आप देख सकते हैं कि अंदर जो है बहुत ज्यादा गर्मी है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अंदर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी और अंदर का जो पानी है वो इवेपरेट होगा, और इवेपरेट होके यानी कि वाष्प बनेगी उसकी, और सीधा ही यहाँ पे जमा होने लगेगा, यहाँ पे जमा होगा लेकिन ऊपर के हिस्से पे ठंडी हवा लगेगी बाहर की, तो वो बूंदों के अंदर बदल जाएगा और उसके बाद में फिर ये सीधा बह के इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगा और उसके बाद में हम उसे कलेक्ट कर लेंगे। तो आइडिया तो कुछ इस तरीके का है। अब ये सच में काम करेगा या फिर नहीं करेगा ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, और इसको इतना बड़ा बनाने का मकसद ही सिर्फ इतना है कि हमें थोड़ा ज्यादा पानी मिले। भाई उठाओ, बाहर निकालो हमें। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, यहाँ से एक पाइप आ रहा है, ये रहा है यहाँ पर बाहर की तरफ में, तो इससे हम उस साफ पानी को इकट्ठा कर लेंगे। और ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब पानी भाप बनता है तो वो शुद्ध होता है, बाकी जितनी भी अशुद्धियाँ होती है वो नीचे ही रह जाती है। तो गाइस अब आप समझ सकते हैं कि इसको अगर हमें लेक के अंदर डालना है तो ये डूबे नहीं, इसके लिए ये सिंपल सा जुगाड़ है। उठाओ ये देखो कुछ इस तरीके से, अब इस तरीके से हम सारे ट्यूब्स इसके चारों तरफ लगा देंगे, उसी के बाद इसको लेक के अंदर लेके जाएंगे। उठाते हैं इसको और पानी में लेके चलते हैं। चलो उठाओ गाइस, अब हमने फाइनली इस वाटर प्यूरिफायर को पानी के अंदर उतार दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये पानी के अंदर है, अब हमें एक चीज करनी होगी, इधर आओ ये देखो, हमें जो है इसे एयर टाइट बनाना होगा, यानी कि इसके अंदर से वो जो भाप है वो एस्केप नहीं करनी चाहिए। तो ये जो पॉलीथीन है इसको पानी के अंदर डाल देते हैं, यानी कि पॉलीथीन पानी के अंदर कवर हो जाएगी, तो हवा का कहीं से भी निकलने का या फिर वो नहीं रहेगा। ये देखो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि सारी जो चीजें हैं वो पानी के अंदर है। ये देखो गाइस, ये आप देख सकते हो कि चारों तरफ से ये पैक है और यहाँ से भी पानी भरा हुआ है, तो हवा अंदर नहीं जाएगी। गाइस आप देख सकते हैं कि मैं अभी हमारे इस प्यूरिफायर के अंदर हूँ और आप देख सकते हैं कि अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यार अभी से ही, और आवाज गूंज रही है देखो, हेलो हेलो। और अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पानी है ये बेसिकली इवेपरेट होगा, इस पॉलीथीन पे जमा होगा और यहाँ से बह के सीधा ही हमारे इसके अंदर आ जाएगा, जिसे कि हम ये जो पाइप है इससे कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं और मस्त गजब ही लग रहा है अंदर तो, ये देखो। और ये पूरी तरीके से सोलर पावर्ड है, यानी कि धूप से चलेगा, इसीलिए मैं कह रहा था कि इसके अंदर ना ही कोई बिजली का मैंने इस्तेमाल किया है ना ही किसी और चीज का, सिर्फ और सिर्फ धूप का। चलो गाइस अब इसको लेक के बीचों बीच में लेके चलते हैं, एंकर डालते हैं और वहीं पे फिट कर देते हैं। चलो चलो
गाइस हमने इसे सेट कर दिया है, अब पानी फिल्टर होने में कितना टाइम लगा मुझे नहीं पता, तब तक लेट्स सी वेट एंड वॉच। गाइस हमने हमारे वाटर फिल्टर को, सोलर पावर्ड वाटर फिल्टर को पानी के अंदर एक जगह पे फिक्स कर दिया है। इसकी बस एक ही बुरी बात है, ये थोड़ा स्लो है, थोड़ा नहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा 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 ही स्लो है, तो मुझे नहीं पता मुझे कितनी देर तक वेट करना पड़ेगा कि पानी भाप बने, इकट्ठा हो और हम पानी पी सकें। एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, ऐसे अभी तो दिन के 2 बजे शाम तक का टाइम है, लेट्स सी। हमारा जो जुगाड़ है वो वहाँ पे रखा हुआ है और मुझे नहीं पता कि उसके अंदर पानी इकट्ठा हुआ है, पानी बना है या फिर नहीं बना है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा क्योंकि इसके अंदर बहुत मेहनत लगी है। तो फटाफट से चलते और देख के आते हैं। ला इधर दे गाइस, एक चीज हमेशा लोगों को मुझसे शिकायत रहती है कि भैया आप जो है लक्स कोजी का बड़ा प्रमोशन करते हो। देखो आज भी मैंने वही पहनी है। मैं आपको इसका कारण बता देता हूँ। देखो यार हमें क्या है ना कि काफी ज्यादा समय पानी के अंदर बिताना होता है। अगर आपने बहुत ज्यादा कपड़े पहने हैं या फिर हैवी कपड़े पहने हैं, पजामा या फिर पैंट ऐसी, तो उसमें आपसे स्विमिंग नहीं की जाती है। तो बस यही कारण है कि हम जो है ज्यादातर कंफर्टेबली अंडरवियर में ही रहते हैं क्योंकि इससे स्विमिंग में थोड़ी सी हेल्प मिलती है और डूबने का खतरा कम हो जाता है। आ जाओ आपको लेके चलता हूँ वहां पर और देखते हैं कि पानी इकट्ठा हुआ है या फिर नहीं। गाइस वैसे तो हमारे ये जो सिस्टम है ये धूप में ज्यादा अच्छे से काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर धूप नहीं है तो इसके अंदर पानी फिल्टर नहीं होगा, उसका वाष्पीकरण नहीं होगा, क्योंकि जब आप रात को कपड़े सुखाते हो तो वो भी सूख जाते हैं, अगर रात के समय में आपके हाथ गीले होते हैं वो भी सूखते हैं, तो पानी ही तो वेपरेट होता है, बस धूप के अंदर थोड़ा सा ज्यादा तेजी से होता है। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं। ये आ गए हम इसके पास में। गाइस आप देख सकते हैं कि ये वैसा का वैसा ही लगा हुआ है, जहाँ पे हमने रात को छोड़ा था ना ये वहीं पर है। और गाइस ओए पानी बन गया। ये गाइस मेहनत रंग लेकर आई है हमारी। ये ये देखो गाइस आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ जो है वाष्प बना है। ये देखो चारों तरफ आप देख सकते हैं कि बूंदे इकट्ठा हो रही है और जो पानी है वो बना है। ये देखो बस ये देखो गाइस मैं इसी चीज की बात कर रहा था। और ये देखो पूरी जो पॉलीथीन है, इस पूरी पॉलीथीन के चारों तरफ ही आप देख सकते हैं बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि सारा पानी इकट्ठा होगा तो वो यहीं पे जमा रहेगा, बूंदे बन बन के नीचे गिरता जाता है। ये देखो वेपरेट होता है, पॉलीथीन पे आता है और ये नीचे जाता है, लेकिन असली चीज तो इसके अंदर है। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर जो है पानी इकट्ठा हुआ है या फिर नहीं। अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास कैमरा भी है। दुआ करना गाइस कि हमारा जो पॉट है उसके अंदर पानी इकट्ठा हुआ हो। ऑडियो का थोड़ा दिक्कत आ सकता है कि फोन पानी में गीला होने वाला है। चलो लेकिन गाइस अंदर जाने से पहले मुझे ये जैकेट खोलना पड़ेगा क्योंकि इसकी मदद से मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। एक दो ये देखो बूंदे किस तरीके से जमा हो रही है और आई थिंक ये थोड़ा सा फट भी गया, वहां से एक छेद हो गया गाइस इसके अंदर। बाकी आप देख सकते हैं कि अंदर कितनी ज्यादा भाप बनी हुई है। ये देखो चारों तरफ बस भाप ही भाप है। ये देखो पानी की बूंदें आ रही है। ये देखो गाइस अब मुझे नहीं पता कि इसके सेंटर के अंदर अभी पानी इकट्ठा हुआ है या फिर नहीं, लेकिन देखने से तो लग रहा है। ये देखो बूंदे जा तो रही है। ये देखो और अब धूप भी ज्यादा पड़ने लग गई है। धूप आ गई है तो गाइस अंदर से बहुत ज्यादा गर्मी क्रिएट हो रही है और जो एवेपोरेशन की रफ्तार है पानी की वो भी तेज हो गई। ये देखो अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और भाप बन रही है। ये देखो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखो लेकिन गाइस यार मैंने एक गलती कर दी, मेरे पास ऐसा कोई भी जरिया नहीं है जिससे कि मैं वो जो अपना पॉट है उसके अंदर झाके देख सकूं कि अंदर पानी जमा हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि अंदर खड़े होने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। ये देखो लेकिन कमाल की बात यह है कि ये देखो पानी बन रहा है। ये देख रहा है आप, ये जा रही है बूंदे। गाइस मैं फोन को ऊपर करता हूँ और आप देखना कि पानी बना है या फिर नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बीच में है। ठीक है ऊपर देख के बताना। आ, 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 आ,
मुझे नहीं पता, मैं तो ये जो नीचे टोटी है ना इससे देखूंगा। चलो बाहर चलते हैं। ये ले ये फोन पकड़। हाँ हाँ जैकेट पहनी है ना। हाँ जैकेट पहन ले। चलो गाइस टोटी ढूंढते, इसके जो नलका है वो किधर है? नली यार कहाँ थी? उधर देखो, उधर उधर होगी। पानी के अंदर जाता हूँ और लेके आता हूँ गाइस, है ना। आ गया आ गया, पाइप आ गया, आ गई टूटी, आ गई। ठीक है गाइस, यही मुझे बता पाएगी कि अंदर पानी इकट्ठा हुआ है या फिर नहीं। इसकी जो पोजीशन है गाइस, वो जो पानी इकट्ठा होता है ना उससे नीचे है, तो ग्रेविटी से पानी नीचे आएगा। क्या हुआ, इतनी टाइट कैसे बंद है? कुछ नहीं है इसमें तो। आएगा आएगा आया। पानी बन गया गाइस, ये देखो। अब मुझे नहीं पता उसके अंदर कितना पानी इकट्ठा हुआ, लेकिन पानी है। मैं इसे पी के देखता हूँ। थोड़ी सी मिट्टी है यार, आई थिंक हमने जब इसको लगाया था तो वो पत्थर वगैरह है उसको साफ नहीं किया था, मैं भी उस वजह से। लेकिन आप देख सकते हैं कि पानी थोड़ा गर्म है पर बन गया साफ है। हालांकि इसके अंदर दो कमियां हैं। एक तो अंदर एक छोटा सा छेद हो गया है, मे भी रात को हवा की वजह से हुआ होगा। उसे बंद कर देते हैं और उसके बाद में इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, और उसके बाद में अब जो धूप निकली है ना, तो अब थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि कितनी देर के अंदर जो है पानी मतलब दोबारा से बनता है। हम अभी किनारे पे लेके आ गए हैं और इसको थोड़ा साफ कर रहे हैं ताकि इसके पानी को अपन पी सके। पहले जो है हमने सफाई नहीं की थी, मिट्टी का पानी था, तो पहले इसको साफ कर लेते फिर वापस छोड़ के आते और वेट करते हैं साफ पानी इकट्ठा होने का। इससे अपने को ये पता पड़ जाएगा कि कितनी देर में कितना पानी इकट्ठा होता है। ठीक है गाइस, आई थिंक अब जो इसके अंदर पानी होगा वो बिल्कुल साफ आएगा। अब इसको वापस लेके चलते हैं उसी जगह पे और वेट करते हैं थोड़ी देर का। चलो चलो बीच में लेके चलते हैं, चलो गाड़ी चलो। ऐसे पहुंच गए हम बीचों बीच में, अब इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में हमारे को पीने के लिए साफ पानी मिल पाता है। इसको यहीं बांध देते हैं, एंकर डालते हैं और किनारे पे चलते हैं। गाइस अब बस कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद में देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। काफी इनफ पानी इकट्ठा हो गया होगा। अरे आजा भाई इस पे आजा, जल्दी आजा, चलो आपको भी दिखाते हैं। चलो आ जाओ, अरे आ जाओ, इंजन को धक्का लगाओ जल्दी, फटाफट लगा भाई, लगा जो लगा के हाईशा। चलो आजा भाई, आजा आजा आजा, चलो गाइस ये फाइनली पहुंच गए हम और आप देख सकते हैं कि यार कितनी ज्यादा उमस बनी है। ये देखो कितनी ज्यादा जो पानी है वो वाश बना है। ये देखो इधर, देखो इधर, ये देखो कितनी ज्यादा है। अब बस ये है देखना कि भैया पानी कितना इकट्ठा हुआ है। तो गाइस मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, अगर पानी इकट्ठा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके दिमाग में एक छोटा सा स्टूपिड सा आइडिया आता है, आप उसे पूरा करने के लिए ना जाने कितने दिन तक मेहनत करते हो और बस वो अगर सफल हो जाता है ना तो ही मज़ा है, वरना तो मतलब नहीं है। ठीक है, थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा गाइज, आई थिंक इसको पास में आ जा, थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि
वो हाइट कम है तो फिर पानी आएगा नहीं अगर होगा तो। ठीक है गाइस, 1 2 3 गाइस आप देख सकते हैं कि ये पानी जो अभी आपकी आंखों के सामने है, जी हाँ गाइस, ये पानी इस लेक से फिल्टर होके यहाँ पे कलेक्ट होके सीधा इस बोतल के अंदर आ रहा है। गाइस एक काम करते हैं, जितना भी पानी इकट्ठा हुआ है सारा ही निकाल के देखते हैं और देखते हैं कि कितना पानी इकट्ठा हुआ है, पूरा आने देते कितना पानी आता है देखते हैं गाइस। गाइस यार मैं तो सोच रहा था कि ये बोतल आधी भर जाए वही बड़ी बात होगी, लेकिन आप देख सकते हैं गाइस की पूरी ये 1 लीटर से भी ज्यादा की बोतल पूरी भर चुकी है और ये वही पानी है ये वाला। मजा आ गया। चलो गाइस अब इसे पी के देखते हैं, हल्का हल्का गुनगुना है, ठंडा तो नहीं है, पी के देखते हो टेस्ट में आपको बताता हूँ कैसा है। टेस्ट लाइक वाटर, बिल्कुल सॉफ्ट पानी जैसा टेस्ट है इसका। कैसा है जो घर में पीते वैसा लग रहा बिल्कुल। तो गाइस यार मैं सिंपली इस कंक्लूजन पे निकला हूँ कि हमारा ये जो सोलर पावर्ड वाटर फिल्टर है ये 1 लीटर से ज्यादा पानी इकट्ठा कर रहा है और साथ ही साथ अभी ये फुल एफिशिएंसी पे नहीं है, इसकी जो साइड का पानी है ये देखो जो साइड है ना, साइड जो साइड के अंदर है ये वाला पानी तो हमने इकट्ठा किया ही नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर का जो पानी है वही कलेक्ट हुआ है। और अगर ये भी हम इकट्ठा करें तो लगभग 1.5 लीटर या फिर 2 लीटर के आसपास हमें प्योर वाटर इस फिल्ट्रेशन सिस्टम की मदद से मिल सकता है। वैसे ये तो सिर्फ एक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था, इसके अंदर अभी भी कुछ कुछ कमियां हैं, अगर हम उन्हें भी सुधार दें, उन कमियों को भी निकाल दें, तो मे भी हम एक ऐसा वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम बना सकते हैं जो कि सूरज से चलता है, इसी तरीके की टेक्नोलॉजी पे काम करता हो, दिन के 2 से 3 लीटर आराम से साफ पानी दे बिना किसी मेंटेनेंस के, एफिशिएंट तरीके से प्रैक्टिकल रूप में जिसके कि अपन यूज में ले पाए। मान लो कि उससे लेक का पानी नहीं अपन कोई दूसरा पानी हो, मेरे दिमाग में जो एक आइडिया और चल रहा है, इसी तरीके की टेक्नोलॉजी की मदद से हम मे भी नाले का पानी साफ कर सकते हैं, समुद्र का पानी साफ कर सकते हैं, किसी भी तरीके का गंदा पानी उसकी मदद से हम साफ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर पानी नहीं भी है, कोई ऐसी लोकेशन है जहां पे पानी नहीं है, तो हम उस जुगाड़ की मदद से वहां पे भी पानी कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम उस पे भी वीडियो बनाए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो पे अगर 5 लाख लाइक से ज्यादा लाइक्स आते हैं तो हम एक पूरा प्रॉपर इसी तरीके का वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाएंगे जो कि सोलर पावर्ड होगा। लेकिन अब देखना है कि अंदर पानी और कितना बचा है, तो ऐसे आपको विश्वास नहीं होगा, मैं अंदर ही जाता हूँ। ठीक है गाइस, जी मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, ये भी अंदर आ गया, अरे गिर गिर जाएगा। ठीक है गाइस अब मैं दिखाऊं आपको। हाँ दिखाओ। ये देखो गाइस। हाँ हाँ उतना ज्यादा नहीं है लेकिन है यार, 1 लीटर तो मैंने बोतल में निकाल लिया था और अभी भी देखो इसके अंदर पानी है, टूटी चला पानी आएगा, है आएगा, थोड़ा नीचे रख गाइस आप देख सकते हैं। ये लेक का पानी है, यहाँ से फिल्टर हुआ है, इसके अंदर कलेक्ट हुआ है, ये देखो इस तरीके से, और कैसा है, बढ़िया। थोड़ा सा गर्म हो सकता है बस। तो गाइस यार मजा आ गया, बहुत मेहनत लगी, सोचा नहीं था कि यार ये चीज इतने एफिशिएंट तरीके से काम कर सकती है, लेकिन आप देख सकते हैं ये देखो यार कितना ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ है। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। गाइस यार बस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पकड़ यार इसको बाहर निकलते, अंदर बहुत ज्यादा उमस हो रही है, आ जा धीरे से, जिससे सारा वाष्पीकरण गिर गया। हाँ जैसे ही गाइस ये हिलता है ना, तो ये देखना जैसे ही हिलता है तो थोड़ा सा ये देखो सारे को बरसात हो गई, पानी गिर रहा, बारिश हो गई, बारिश हो गई। बचा कुचा पानी है गाइस थोड़ा सा, पानी तो रोज पीते हैं, पानी के अंदर ही तैर रहा हूँ, लेकिन इस पानी का मजा अलग है। अरे गिराओ मत, पानी मेहनत का है। बाय बाय गाइस।
गाइस जाते जाते एक बार फिर से याद दिला दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया है बिनोमो का, जहां से आप रजिस्ट्रेशन करके ट्रेडिंग करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ भूलिएगा मत, टूर्नामेंट चल रहा है 1v1 का, जहां पे पॉइंट्स और गिफ्ट्स दोनों मिलेंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।